दरम्यान शेतकरी आता लाल किल्ला परिसरातून बाहेर पडले आहेत. पोलीस आणि शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यात यश आलेलं आहे. हिंसाचारामध्ये एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झालाय. पोलिसांनी आंदोलकांना लाल किल्ला परिसरातून बाहेर काढलंय. दरम्यान आंदोलकांची ट्रॅक्टर पडत आणखी 2 दिवस चालणार आहे. दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलकांनी आज हिंसाचार केला. गेल्या 60 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शांततेत चाललेल्या आंदोलनाचा आज बांध फुटला आणि शेतकरी आंदोलकांनी हिंसाचार केला. रस्त्यावरील बॅरिकेड्स तोडले, तसेच विविध ठिकाणी वाहनांचीही यावेळी मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली. दरम्यान या परिसरातून आता आंदोलकांना हुसकावून लावण्यात पोलिसांना यश आलंय. दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांनी आज जे काही आंदोलन केलं त्या आंदोलनामध्ये अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला आणि शेतकऱ्यांनी सरकारी मालमत्तेचंही नुकसान केलं. ट्रॅक्टरच्या सहाय्यानं शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरचे बॅरिकेड्स तोडले, बसेसवर दगडफेक केली. त्यामुळे दिल्लीला आता निमलष्करी जवान तैनात करण्यात आलेत आणि लष्करी छावणीचं स्वरूपच दिल्लीच्या रस्त्यांवर आलंय. या संदर्भात एका ज्येष्ठ पत्रकारानं घेतलेला एक आढावा आपण पाहूया. और यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से जो कब्जा है वो शुभेंदु कर लिया था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो सरकारी जो संपत्ति है उसका इन्होंने नुकसान पहुंचाया था और पुलिस के ऊपर बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो शुभेंदु उन्होंने फेंके थे, क्योंकि लगातार हिंसक प्रदर्शन ये किसान संगठनों से जुड़े जो जो यहाँ पर किसान पहुंचे थे वो प्रदर्शन कर रहे थे. अगर इन दृश्यों को आप शुभेंदु देखें तो ये डीटीसी की बस है. ये आप देखिए कि किस तरीके से इस बस को नुकसान पहुंचाया गया है. चारों तरफ आपको जो कांच हैं वो शुभेंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस बस पर जो पत्थर हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो फेंके हैं. शुभेंदु हमारे कैमरामैन आरके आपको एक दृश्य और दिखाएंगे. ये देखिए, ये आईटीओ का जो चौराहा है और यहाँ पर अगर आप देखें जो ग्रिल लगी हुई थी दोनों रोडों के बीच में, जो डिवाइडर था वहां पर एक लोहे की बड़ी मजबूत ग्रिल लगी थी. इस पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया और इस ग्रिल को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया. ये अगर आप इन दृश्यों को देखें शुभेंदु, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं. आरएएफ यहाँ पर मौजूद है, एसएसबी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग थे लेकिन बाद में जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको बुलाया गया, सीआरपीएफ को यहाँ पर बुलाया गया और